कौन से स्कूल का नाम बताओ अपने? स्कूल का नाम बताओ। हाँ ऐसे आराम से बात करो, बात करने में क्या जा रहा है? उनसे बात करो, मुझसे थोड़ी ना बात करनी। बोलो बोलो बोलो, पूछना कुछ। आज कुनाली ने बेइज्जती करा दी। बता तो बेटा, होशियार बच्चा तो ये है जो बाहर बोल पड़े। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी का सीन है कि अभी हम पूरी फैमिली जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे घूमने? कहीं भी पहाड़ पे, मौसम अच्छा हो रहा है ना। यस, मस्त मौसम हो रहा है और अभी हम जा रहे हैं पहाड़ पे घूमने। पूरे बादल ही बादल देखने को मिलेंगे आज के व्लॉग में। बादल व्लॉग होगा आज का, बादल व्लॉग। पूरे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त पहाड़ों में मस्त जाएंगे, फुल पार्टी करके आएंगे। और शाम का ये छोड़ मेरे को, चलो। कौन सी गाड़ी में चलोगे? फॉर्च्यूनर। थार में चलते? नहीं, थार मम्मी को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो गाइस अगर आप भी थार लेने का प्लान कर रहे हैं तो फैमिली के हिसाब से मत लेना, आपकी मम्मी का आपके पापा को पसंद नहीं आएगी थार, जैसे मेरी मम्मी को पसंद नहीं आती थार। तो गाइस बादलों की शुरुआत हो चुकी है यहीं से, देखो यहाँ से कितने प्यारे बादल दिख रहे हैं। अब पहाड़ पे और मस्त दिखेंगे, चलते हैं फॉर्च्यूनर लेके। तो गाड़ी स्टार्ट कर दिया मैंने, एक बार ठंडी होने दो फिर बैठना, ठीक है? ये टोकरी क्या है दिखाना? ये देखो मम्मी टोकरी लेके चलती है, इसमें बिस्किट विस्किट पानी वानी सब कुछ है। जय माता रानी। कुनाली आपको पहाड़ पसंद है? नहीं। बादल? नहीं। बारिश? नहीं। क्या पसंद है आपको? मेरे को घर। घर पसंद है? घर में रहना बस। हाँ? घर में रहना। घर में तो आप क्यों आए हो? टीवी देखना मम्मी, मोबाइल देखना मम्मी ना? इसको मन नहीं कर रहा था। हाँ, जबरदस्ती लाए हम। बेचारा कुनाली। गाइस सामने का व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है, लग रहा है ना बादल ब्लॉग देखो पूरा। गाइस कुनाली को उल्टी आ गई यार, ऊपर चढ़ते ही। और हो रहा? अब नहीं हो रहा ना अभी का। गाइस मम्मी को बोल रहा हूँ बोटिंग के लिए, मम्मी बोटिंग के लिए मना कर गई, पानी में नहीं जाना, पानी से डर लगता है। क्यों है जरूरी? इतनी बार जाए हो, अभी नहीं हुआ तुमको? जरूरी होता बट मैं जरूरी नहीं होता। फालतू बोलो। होटल बैलून करोगे? होटल बैलून क्या ठहरा हो? हवा में उड़ते हैं। क्यों करेंगे? उड़ने वाली लग रही हूँ तेरे को मैं। गाड़ी में बैठना डर लगती है। पैराग्लाइडिंग क्या? पैराग्लाइडिंग क्या कहा तुमने? पैराग्लाइडिंग? पैराग्लाइडिंग 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 क्या बोलिए? तो मम्मी आप करने क्या आए हो फिर? क्या करोगे आप? बोट में? बोट में बैठोगे? बोट में? मैं तो आई हूँ ऐसे ही घूमने आई हूँ ना, बोट में नहीं बैठूंगी। क्यों? बोट डूब जाएगी। जय बजरंग बली। तो भी गाइस यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे देखो कितने सारे कमल के फूल हैं। और इस ताल का नाम पता क्या है? कमल ताल। कमल ताल। गाइस पोपट हो गया, हम बोटिंग भी नहीं कर पा रहे, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम जैसे उतर रहे हैं ना भीड़ लग जा रही है, और बोटिंग वाली जगह पे ऑलरेडी इतनी भीड़ है तो हम वहाँ पे जा ही नहीं पा रहे। हम गाड़ी से उतरते ही भीड़ लग जा रही है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे आ गए, देखो यहाँ भी आ गए सब्सक्राइबर। हेलो, देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई, ऊपर बादल ही बादल है। आप भी लोकल? लोकल के हो? यस सर। लोकल के? चलो ठीक है भाई, मिलने आए थे आपसे, आपके पापा दिखे थे। एक काम करते हैं, रिसोर्ट में चलते हैं, एक रिसोर्ट है यहाँ पे जंगल में ही। उए। तो गाइस हमको यहाँ पे आना पड़ा, यहाँ पे बिल्कुल शांति है। देखो ये, देखो यहाँ पे टेंट भी है, टेंट में भी रुक सकते हैं रात को रुकना हो तो। गाइस मेरे को ये वाला प्लांट बहुत पसंद है, अपने नए घर में लगवाऊंगा मैं, मम्मी को अच्छा लग रहा है यहाँ पे। चलो यहाँ पे टेंट भी है, टेंट में रुक सकते हैं। देखो ये टेंट है, छाते के नीचे बैठेंगे। गिर गया, अगर हाथ में लग गई ना पता चलेगा। तो गाइस हमारा व्हाइट सॉस पास्ता आ गया, तो यही खाएंगे बस। तो गाइस खाना पीना तो हो चुका है, और देखो यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर वेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? युवराज। थोड़ा सैड क्यों? स्माइल करो, स्माइल। कौन से स्कूल का नाम बताओ अपने? स्कूल का नाम बताओ। हाँ ऐसे आराम से बात करो, बात करने में क्या जा रहा है? उनसे बात करो, मुझसे थोड़ी ना बात करनी। बोलो बोलो बोलो, पूछना कुछ। ये बता, अकेले में बोलता है? अगर अकेले में होता ना, हम साथ में, इसलिए नहीं बोल रहा। अकेले में कोई बच्चा मिल जाए ना तब बोलता है। आज कुनाली ने बेइज्जती करा दी। बता तो बेटा, बच्चे हैं देखो, ये क्या फायदा इनका बोलने का? इनका नहीं, इसका बोलो। मम्मी मैं तो बोलता हूँ सबसे ना, घर में इतना बोलते हैं तो क्या फायदा है फालतू का बोलना? होशियार बच्चा तो ये है जो बाहर बोल पड़े। बाहर बोले, अंदर क्या बोलना है वो? हाँ, बाहर बोलना चाहिए। सभी बोलते हैं बाहर बोलना चाहिए, बच्चे बोलना चाहिए सबके। जैसे पूछ रहा था आपका नाम, तेरे को कुछ सवाल जवाब कर रहा था वो, और तू भी पूछता उससे आप कहाँ पढ़ते हो, कौन से? बस इतना ही तो पूछना है। अब आपको बाहर ही आपने शान ले जाएगा कहीं भी, आपसे कोई पूछेगा ऐसे ही करोगे आप? आप क्यों नहीं बोले? शर्म वाली थी। शर्म किस चीज की? शर्म क्या होती है? शर्म बोलने की। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। मम्मी सामने देखो, ये करनी है आपको? हाँ।
करने क्या हाँ तो देख के ही डर लग रही मेरे को। ये तो मैं भी कर लूंगा क्या इसमें, ये तो मेरे भाई हाथ का खेल रहे। पहले बात तो कर ले, पहले बात तो कर ले, पहले बात तो कर ले। गाइस कुनाली को देख के मेरे को अपने बचपन के दिन याद आ गए। मैं बचपन में बोल नहीं पाता था किसी के सामने, मैं किसी के सामने नहीं बोल पाता था भाई। मैं अपने अपने रिश्तेदारों के सामने, रिश्तेदारों के सामने भी नहीं बोलता था ना, अपने टीचर के सामने, रिश्तेदारों के सामने। आप मेरी पुरानी वीडियो देखना तो मैं कुनाली कुनाली से रिलेट कर सकता हूँ मैं। बेटा भैया घर तो बोलता है ना, घर में तो बोलता है ये। हाँ ये घर में तो बोलता है। मम्मी जी जब मैं गाड़ी जाता हूँ डर लगता है ना, मेरे को अभी फील हो रहा है आपको, डर लग रहा है, डर लग रहा है ना अभी आपको, डर क्यों लग रहा है? बट मुझे चलानी अच्छे से आती है। चलानी आती है, बढ़िया चलाता है, पता नहीं क्यों लगती है यार बेटा। किस बात की डर लगती है कि खाई में गिर जाएगी? ऐसे मत बोल यार। मतलब किस बात की? आगे से कोई गाड़ी आएगी एकदम, एक सामान ये डर लगती है मेरे को। आगे से मैं सोचू ना कोई गलत गाड़ी ले आए, ये डर लगी रहती है। ऐसा क्या करो आपको डर ना लगे? कुछ ना कर, आराम से ले जा, बस हो गया। अच्छा मतलब इतनी स्लो चला, इतनी स्लो चलाऊं? हाँ। तो मम्मी कह रही है इतनी स्लो चलाऊं, बिल्कुल स्लो। 40 पे ठीक है। देख कैसा रास्ता है, देख अपनी सेफ्टी है यार बेटा। छोड़ दे, एक काम करो, बहुत ही पंजा दबा दो, मजा आएगा। पहले बात तो कर ले। बात तो करनी आती उससे। गाइस दोबारा रुकना पड़ा, कुनाली को फिर से उल्टी आ रही है। कुनाली क्या हुआ? सारा पास्ता निकाल दिया। सारा निकाल दिया तो खाया क्यों था फिर? हैं खाया क्यों था? भूख लग रही थी। अब दोबारा लग गई होगी भूख। हल्द्वानी पहुंच गए टाइम से, भी अंधेरा नहीं हुआ ना। तो गाइस घर आते ही दोनों भाई बैठ गए पढ़ाई पे। पीयूष अपनी पढ़ाई कर रहा है, कुनाली अपने होमवर्क कर रहा है। तो आईपैड में क्यों करता है भाई? गाइस देखो नया जमाना आ गया, मतलब आईपैड लैपटॉप इन सब में पढ़ाई होती है। हमारे टाइम में तो होते नहीं था फोन, सही चीजों के लिए यूज करियो आईपैड को। गाइस चाचा जी गए हैं गाँव, तो कुनाली खुश हो रहा है बिकॉज वो पढ़ाते थे ना इसको। और मम्मी ने आते ही खाना बना दिया, आलू बीन की सब्जी, दलिया और चावल। गाइस मैं तो सिर्फ दलिया खा रहा हूँ, हल्का खाना रात को ना, और कुछ नहीं खाऊंगा, बस सिर्फ दलिया। तो गाइस खाने के बाद डेली रूटीन आम खाना, तो आम खा रहे हैं फिलहाल। तो गाइस डिनर हो चुका है, अब फिलहाल मैं करता हूँ एडिटिंग, इस व्लॉग करता हूँ एंड हम जाने वाले हैं जल्दी एक धार्मिक यात्रा पे पूरी फैमिली के साथ में। तो कमेंट के बताना हम कहाँ जाना चाहिए, हम कल डिसाइड करेंगे हम कहाँ जाएंगे फैमिली के साथ में। तो दो तीन दिन की ट्रिप होगी पूरी फैमिली के साथ में, धार्मिक यात्रा होगी, तो मुझे तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। दुबई वही घूम लिया, लेकिन जो होता है ना धार्मिक जो चीज़ें होती हैं हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, उसमें अलग ही फील आता है। तो वो आप भी देखना। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। आज कुछ सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था आज का, जैसे कि आपने देखा हम गए और आ गए जैसा भी था। तो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। ये देखो एक बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे पढ़ाता है, डांट डांट के पढ़ाता है। डर तो रहा है, डर रहा है क्या वो? डर रहा है तुझसे वो?